जब सत्ता की ताकत के सामने सवाल कमजोर पड़ जाए तो आवाज बुलंद करनी पड़ती है। बोल की लब आजाद है तेरे, न्यूज क्लिक पर मेरे साथ। उन्नीस सौ 1984, एक अजीबो गरीब हैवानियत थी, एक अजीबो गरीब वहशियत थी, और मैं नहीं भूल पा रहा हूं इंदिरा गांधी के बारे जाने के 2 दिन बाद का वो नजारा। मैं टैगोर गार्डन में रहा करता था, जो कि पश्चिमी दिल्ली का हिस्सा था, और मैं आपको बताना चाहूंगा कि तितारपुर, तिलक नगर और ये तमाम इलाकों में जबरदस्त हिंसा हुई थी और बड़े पैमाने पर सिखों का नरसंहार हुआ था। मैं एक बच्चा था और मुझे याद है कि उस दिन पूरी दिल्ली की जो स्काईलाइन है वो काली हो गई थी। हर जगह से धुएं का गुबार, काले धुएं का गुबार दिखाई दे रहा था। तमाम जो सिखों के धार्मिक स्थल हैं उन्हें जलाया जा रहा था। शब्द नहीं थे हमारे मेरे जहन में उस वहशियत को लेकर, और इसी वहशियत में मुझे याद है कि मैं अपने कुछ दोस्तों के साथ एक घर में गया। उस घर में एक कार्डबोर्ड में, एक कॉफिन में एक लाश थी, मगर वो कार्डबोर्ड पूरी तरह से कवर्ड था और उसके सामने एक बहुत ही खूबसूरत दिखने वाले सिख की तस्वीर थी, एक बहुत ही हैंडसम सिख। और मुझे याद है उस ताबूत के आसपास लगातार औरतें रो रही थीं, एक बहुत ही युवा सिख महिला रो रही थी जो शायद उनकी पत्नी थी, और मेरी निगाह लगातार उस सिख युवा की तस्वीर की तरफ थी। फिर अचानक पता नहीं क्या हुआ, उनमें से एक शख्स आया और उसने ताबूत का जो ऊपरी हिस्सा था उसे कुछ देर के लिए खींचा, और मैं चूंकि सामने खड़ा हुआ था ताबूत के, तो मेरी नजरें पड़ी एक अधजले शव पर, उसके चेहरे पर। दोस्तों वो तस्वीर मैं आज तक नहीं भुला पाया हूं, और आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक बच्चे के जहन पर उसका क्या बुरा असर पड़ा होगा। मगर शायद मेरी पीड़ा या मेरी यातना उन परिवारों की तुलना में कुछ भी नहीं है जिन्होंने अपने आंखों के सामने अपने पिता को, अपने भाई को, अपने पति को, अपने बच्चों को जलते हुए देखा। यह वहशियत 1984 में पूरे देश में थी। 2500 से 3000 सिख आधिकारिक आंकड़ों में मारे गए थे। अनऑफिशियल फिगर्स की तो हम बात भी नहीं कर सकते हैं। मैं जानता हूं, ये कहा जाता है कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, मगर सज्जन कुमार को जो उम्र कैद की सजा सुनाई गई है ये स्वागत योग्य कदम है। क्योंकि देखिए, बेशक जस्टिस डिलेड मे बी जस्टिस डिनाइड, मगर आज वो सजा सबसे ज्यादा चुभने वाली है सज्जन कुमार को, क्योंकि ये शख्स एक अरसे से यह महसूस करने लगा होगा कि कानून के लंबे हाथ या न्याय के कटघरे में मैं कभी नहीं खड़ा हो पाऊंगा। और यह संदेश दे रहा है हम सब के लिए कि जब हम वहशियत को बढ़ावा देते हैं तो उसके परिणाम क्या होते हैं। दोस्तों 1984 का वक्त ना एक बहुत ही अजीब और गरीब वक्त था। मुझे याद है हिंदू और सिखों में जबरदस्त तनाव थे, छोटी छोटी बातों पर लड़ाई शुरू हो जाती थी। इसी तरह से सिख टेररिस्ट जो हैं वो पंजाब में गोलियों से भून देते थे, दिल्ली में भी इस तरह के अनगिनत मिसालें आई थी और बहुत जबरदस्त नाराजगी थी। मैं नहीं भूला हूं वो 2 बयान जब यह हिंसा थमी थी। उसके बाद मुझे याद है कि मेरे एक हिंदू दोस्त ने कहा था कि हिंदुओं के पास यह स्वर्णिम मौका था तमाम सिखों को खत्म कर देने का, और आप जानते हैं उसके सामने बैठे एक सिख ने कहा कि अरे तुम लोग तो VCR और टीवी लूटने में लगे हुए थे, अगर हमारे साथ पुलिस होती तो हमने 1 दिन में 5 करोड़ हिंदुओं को मार दिया होता। यह पागलपन था उस वक्त लोगों के जहन में, और वो पागलपन हमारा इतिहास बार बार हमें
पुकार रहा है, साल रहा है, हमें चेतावनी दे रहा है। और ऐसा नहीं कि हमने इतिहास से कभी सीखा, क्योंकि मुझे ऐसा लगा था कि 1984 के बाद उस तरह की वहशियत में हम फिर प्रवेश नहीं करेंगे, मगर 1984 के बाद 1992 हुआ और जानबूझकर हुआ। 1992 के बाद 2002 हुआ। हमने इतिहास से कभी नहीं सीखा। और आजकल भी क्या हो रहा है दोस्तों, आजकल भी यही हो रहा है कि हम अपने इतिहास से ना सीखकर माहौल को बेवजह बर्बाद करने में लगे हुए हैं। ये जो बार बार हिंदू मुस्लिम की डिबेट्स न्यूज चैनल्स पर हो रही हैं, क्या ये होनी चाहिए? क्या माहौल को इस तरह से बिगाड़ने का प्रयास होना चाहिए जिस तरह से कासगंज में हुआ, या बुलंदशहर में जो पूरी साजिश रची जा रही थी? और दुख की बात यह है दोस्तों कि पहले मीडिया कभी भी इसका हिस्सा नहीं हुआ करती थी। मीडिया हमेशा एक जिम्मेदार भूमिका निभाती थी, मगर आज का मीडिया जो है वो कहीं ना कहीं माहौल को और उग्र कर रहा है, क्योंकि उसे लगता है कि शायद इसके जरिए एक सियासी पॉलिटिकल पार्टी को, एक पॉलिटिकल पार्टी को मदद मिलेगी। दुख की बात यह है कि 1984 के बाद भी एक अरसे तक कांग्रेस की तरफ से माफी नहीं आई थी। उल्टा मुझे याद है मरहूम राजीव गांधी का वो निहायत ही शर्मनाक बयान कि जब एक बड़ा पेड़ गिरता है तो जमीन हिलती है, याद है ना आपको वो बयान? कुछ दिन के लिए लोगों को लगा कि भारत हिल रहा, लेकिन जब भी कोई बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती थोड़ी हिलती है। तो सवाल ये कि हिंसा को जायज ठहराने का काम किया कांग्रेस के महान नेताओं में से एक राजीव गांधी ने, और ऐसा नहीं है कि यह थमा। उसके बाद भी लगातार इस तरह की मिसालें सामने आती गईं जहां राजनेताओं ने हिंसा को जायज किया, और हम और आप जो आम जनता हैं उन्होंने कभी भी इससे सीख नहीं ली। हम उनकी सियासत का हिस्सा बने रहे, उनकी वहशियत का हिस्सा बने रहे, और नतीजा यह है दोस्तों कि बार बार हम उस हिंसा में दफन होते रहे। और इतिहास की ये तीन घटनाएं एक बार फिर अतीत से हमें पुकार रही हैं कि सीखो हमसे, वरना फिर दफन हो जाओगे उसी वहशियत में, उसी आग में। मगर मैं उम्मीद करता हूं कि यह मामला यहां नहीं थमेगा। जो तमाम आरोपी हैं, न्याय के हाथ उनकी गर्दन तक जरूर पहुंचेंगे। क्योंकि देखिए 1984 में जिन लोगों ने अपने रिश्तेदारों को अपने आंखों के सामने मरते देखा, उनकी जिंदगी कभी सामान्य नहीं होने वाली है। मगर मैं ये उम्मीद जरूर करता हूं दोस्तों कि कम से कम उनके साथ न्याय होगा। एक भारतीय होने के नाते कम से कम हम इतना तो उनके साथ कर सकते हैं ना। और धन्यवाद उन तमाम बहादुर सिपाहियों को जिनके चलते यह न्याय संभव हो सका। और मैं यही उम्मीद करता हूं कि देश में इस तरह के जितने भी दंगे हुए 1984 के बाद, चाहे 1992 चाहे 2002, इन सभी में जो पीड़ित हैं उन्हें न्याय मिलेगा। आदमी चाहे जितना भी ताकतवर हो, उसे कटघरे में खड़ा किया जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं दोस्त, और उम्मीद पर यह दुनिया कायम है, क्योंकि उम्मीद के अलावा एक आम इंसान के पास कुछ नहीं रह जाता। मगर जैसे मैंने कहा ना, उम्मीद एक बहुत ताकतवर शब्द है। लिहाजा आज आपके बोल न्याय के लिए, और बोलो क्योंकि लब आजाद है तेरे।